नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग वाउचर के अंतर्गत बिल ऑफ मटेरियल, और इसके अंतर्गत आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है सोयाबीन से सोयाबीन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का। हम आज के इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें इसके पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके पहले हमारे 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज का ये हमारा 4th प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर के अंतर्गत, मैन्युफैक्चरिंग जनरल के अंतर्गत सोयाबीन से सोयाबीन तेल का पूरा प्रोसेस, किस प्रकार से हम उसका वाउचर क्रिएट करें, या यूं कह दें कि इस प्रकार की जो प्लांट है वहां पर टैली में उसकी वाउचर एंट्री कैसे जनरेट करें या टैली में उसको हम कैसे मेंटेन करें, उस कंसेप्ट को आज हम समझने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब यदि हम बात करें यहाँ पर सोयाबीन की, तो सोयाबीन से जो ऑयल निकालते हैं, तेल निकालते हैं, उस रूटीन में यदि देखा जाए तो जो ऑयल की मात्रा रहती है वो 17.8 है, तो हमने इसको रेशो मान करके चल रहे हैं 18 kg। यदि 100 किलो सोयाबीन है तो उसमें 18 किलो तेल निकलता है, बाकी का क्या निकलता है, तो बाकी का इसमें सोयाबीन मेल निकलता है या नल से निकलता है, तो सॉरी हल से निकलता है 3%, और 80% का इसमें सोयाबीन मेल निकलता है। तो ये वो उत्पाद है जिससे सब उत्पाद, यानी इससे और भी प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन यदि हम ऑयल की बात करें या ऐसे प्लांट है जहाँ पर सिर्फ ऑयल मैन्युफैक्चरिंग होता है या ऑयल बनता है, तो वहाँ पर सोयाबीन से 3 आइटम जनरेट होंगे, तो इनका हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाउचर जनरेट करना है। और इस प्रोसीजर के लिए हम किन प्रोसीजर को दर्शाते हैं या इस प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हमें जनरेट करनी पड़ेगी टैली में, उसको हम समझें। तो प्रोसेस के अंतर्गत यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें एक तो ग्रुप क्रिएट करना है जिसे हम कहेंगे ग्रुप क्रिएशन, दूसरा बिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बनाना है। इसके साथ ही साथ हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बनाना है, और उसके साथ में हमें जनरेट करेंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जनरल। अब हम जो ग्रुप क्रिएट करेंगे उसके अंदर ग्रुप 2 ग्रुप बनाएंगे, एक रॉ मटेरियल का जिसके अंदर आ जाएगा सोयाबीन, और दूसरा बनेगा हमारा फिनिश गुड्स का, और फिनिश गुड्स में जो तैयार होंगे वो 80% सोयाबीन मेल है और 18% सोयाबीन ऑयल की हमने बात की, और 3% इसमें हल्स निकलेगा, यानी खली जिससे बनती है वो हल्स यहाँ पे निकलेगा। इसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करें तो बिल ऑफ मटेरियल जनरेट करना है ऑयल के लिए, क्योंकि ऑयल हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। इसके बाद ये हमारा मेन कंपोनेंट है, और ये जो है कि हमारा ये कंपोनेंट है, और ये प्रोडक्ट है, और ये क्रॉप प्रोडक्ट है, और ये दोनों बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इनको हम क्रॉप प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में डाल देंगे, और ये हमारे चारों एक्सपेंसेस है। एक तो हमारा इसमें पानी लगता है क्योंकि सोयाबीन को भिगोना होता है 6 से 8 घंटे के लिए, तो पानी का हमारा एक्सपेंसेस होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है, जो मशीनरी चलती है उसके लिए बिजली बिल भी लगेगा। इसको ऑयल निकालने के लिए लेबर भी हमें लगे हैं, और मशीनरी कंज्यूम भी होती है, तो कुछ मशीनरी हमारी ख़राब होगी, तो रेशो मानकर चले कि मशीनरी 0.5% ये कंज्यूम करता है। इसके अलावा यदि कोई और एक्सपेंसेस है, यदि वहाँ जिस प्लांट में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर एक्सपेंसेस है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि प्रोडक्ट में और भी प्रोडक्ट बनते हैं और उनका रेशियो अलग अलग है, तो जो परसेंटेज रेशियो है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है सोयाबीन की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, मशीनरी के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर आदि के ऊपर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर परसेंटेज चेंज कर देंगे।
यदि इसके अलावा कोई प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट निकलता है तो उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर यही होगा, इसी प्रोसीजर को हमें फॉलो करना होगा। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमारा पीपीटी कहता है कि हमें तैयार करना है स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, और दो ग्रुप बना लेते हैं हम, एक है हमारा रॉ मटेरियल का और दूसरा है फिनिश गुड्स का, ठीक है, और दोनों को हम प्राइमरी में बना लेते हैं। तो चलते हैं टेली स्क्रीन पर, यहां पर सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे, क्रिएट कंपनी में गए और कंपनी का नाम दे देते हैं हम सोयाबीन टू ऑयल या टू सोयाबीन ऑयल, ये हम दे देते हैं। अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है उस कंपनी का नाम यहाँ पर डाल दें, स्टेट सिलेक्ट करें, कंट्रोलर से इसको एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोलर से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम दो ग्रुप बना लेते हैं, क्रिएट में गए और स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं, एक का नाम हमारा रॉ मटेरियल और यहां पर शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको यस करना है, कंट्रोलर से एक्सेप्ट कर लेंगे। और दूसरा है फिनिश गुड्स, इसको भी यस कर लेना है और बाहर आ जाना है। इसके बाद हमारा पीपीटी क्या कहता है, हमें बनाना है यहां पर स्टॉक आइटम क्रिएशन, और स्टॉक आइटम में एक हमें बनाना है सोयाबीन जो हमारा रॉ मटेरियल है, और सोयाबीन के अंतर्गत हम यहां पर इसको कन्वर्ट करेंगे केजी टू क्विंटल, ठीक है। ये चाहें तो आप कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर जो सोयाबीन परचेस की जाती है वो क्विंटल में की जाती है, और क्विंटल से हम यहाँ पर किलो में निकालने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं हमारा प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर एक आइटम बना लेते हैं क्रिएट में, स्टॉक आइटम में सोयाबीन बना लेते हैं और इसका जो ग्रुप आएगा वो है हमारा रॉ मटेरियल, क्योंकि सोयाबीन हमारा रॉ मटेरियल है। कैटेगरी हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, लेकिन यूनिट हम यहाँ पर रखेंगे, और अल्ट सी से आप यूनिट बना लीजिए, एक तो बना लेते हैं हम केजी, और केजी के अंतर्गत हम लेंगे किलो ग्राम, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इसमें आप 3 कर दीजिएगा, और यहाँ पर अल्टरनेटिव यूनिट भी हम रखेंगे तो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं अल्ट सी से, और इसको रख लेंगे हम क्विंटल QTL, और इसको ले लेंगे हम क्विंटल क्विंटल में लेंगे, और उसका भी नंबर ऑफ डेसिमल हम डेसिमल 3 रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक क्विंटल यानी कितने केजी, 100 केजी हमने इसको दे दिया है, ठीक है। तो सॉरी, हमारा प्राइमरी यूनिट यहां पर क्विंटल है तो हम क्विंटल ही ले लेते हैं, क्योंकि वही प्राइमरी मेथड यहां पर आएगा जो आपने निर्धारित किया, तो प्राइमरी यूनिट हमारी क्विंटल हो जाएगी और सेकेंडरी या अल्टरनेटिव यूनिट हमारी केजी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 100 केजी 1 क्विंटल, ठीक है। और इसी में हमें बिल ऑफ मटेरियल भी यूज करना है, सॉरी सोयाबीन के लिए नहीं करना है, हमें तो ऑयल बनाना, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए हमें बिल ऑफ मटेरियल यूज करना है, ये गुड्स है, बस इसको हमें डाल करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं मल्टी स्टॉक आइटम, और इसके लिए हम चले जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत और यहाँ पर स्टॉक आइटम बना लेते हैं। यदि आप देखें पीपीटी में तो हमारा पीपीटी भी शायद यही बात करा है, ये फिनिश गुड्स है और ये हमारे 3 आइटम हैं, फिनिश गुड्स के बाद जो बनेंगे वो है सोयाबीन मिल्स, सोयाबीन हल्स और सोयाबीन ऑयल, ठीक है। तो हम यहाँ पर मल्टी स्टॉक आइटम बना लेते हैं, इसके लिए मल्टी मास्टर में जाएंगे और यहाँ पर मल्टी क्रिएशन लेंगे, और इसमें जो आइटम्स हैं उसमें फिनिश गुड्स लेंगे हम ग्रुप में अंडर ग्रुप,
और यहाँ पर हमारे वो सारे प्रोडक्ट हम डाल देंगे जो जो हमारे हैं, सोयाबीन मिल्स हैं तो इसको हम डाल देंगे, क्या है ये अंडा फिनिश गुड्स है, किस में मापेंगे इसको, तो इसको हम केजी में मापने वाले हैं क्योंकि हम क्विंटल से केजी कन्वर्सेशन को देखेंगे, यानी एक क्विंटल में कितना किलो हमारा फिनिश गुड्स तैयार होता है। ओपनिंग क्वांटिटी अभी हमारे पास जीरो है। अगला प्रोडक्ट हमारा जो बनने वाला है वो है सोयाबीन ऑयल, इसको भी हम ले लेंगे, ये भी फिनिश गुड्स है, ये भी केजी में बनेगा। ऑयल को आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरा प्रोडक्ट हमारे सोया फल, तो इसको हम ले लेते हैं, इसको भी हम केजी में रखेंगे। ये तीन हमारे जो है कि फिनिश गुड्स यहाँ पर तैयार कर लिए हमने। इसके बाद एक बिल ऑफ मटेरियल बनाना है, और बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए आप अल्टर में जाइए, यहाँ पर आपको जाना है स्टॉक आइटम में, स्टॉक आइटम के अंतर्गत सोयाबीन ऑयल के लिए हम बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे बिल ऑफ मटेरियल, इसको करेंगे हम यस। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर लीटर से केजी में इसको कन्वर्ट करना है तो अल्टरनेटिव यूनिट में आप लीटर का बना सकते हैं, LTR, और यहाँ पर हम ले लेंगे लीटर, किलोलीटर, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 3 कर लीजिए, और यहाँ पर लीटर कितने लीटर में एक किलो होता है तो 1.1 हम डाल देते हैं, में 1 केजी होता है। यदि केजी से कन्वर्ट करना है तो प्राइमरी यूनिट आप लीटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बिल ऑफ मटेरियल लेते हैं, और किसके लिए ऑयल हमें बनाना है तो ऑयल हम लेंगे, और कितनी यूनिट बनाना है तो हमें यहाँ पर ऑयल बनाना है 18%, 18 केजी बनाना है। और इसके बाद इसमें अन्य प्रोडक्ट किससे बना है तो सोयाबीन से बनेगा, ये हमारा कंपोनेंट है। क्वांटिटी तो हम यहाँ पर 1 क्विंटल हम सिलेक्ट करेंगे, 1 क्विंटल से 18 केजी ऑयल यहाँ पर बनने वाला है। तो देखिए हमने यहाँ पर अल्टरनेटिव यूज़ किया था, तो इसमें क्या हुआ कि सोयाबीन हमने सेलेक्ट किया, कंपोनेंट आ गया, और साथ ही साथ 1 क्विंटल नीचे क्या दे रहा है, 100 केजी ये बता रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा इससे क्या बनने वाला है, तो इससे हमारा सोयाबीन मिल्स बनने वाला है। ये क्या है, ये प्रो प्रोडक्ट है, और ये कितना बनने वाला है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं पीपीटी में, 18% का रेशो है इसका, जैसे 17 पॉइंट कुछ था, हम 18 में इसको कवर कर रहे हैं, ये हम डाल देंगे। इसके बाद अगला प्रोडक्ट हमारा हल्स है, तो वो डाल देंगे हम सोया हल्स, और ये हमारा बाय प्रोडक्ट है, और 3% का रेशो, यानी 3 किलो का रेशो इसका हो गया है, सॉरी ये गलत डाल दिया हमने, ये सोयाबीन ऑयल निकलने वाला है 18%, तो ये 80% है, यानी 80 किलो ये बनेगा एक क्विंटल में से। ठीक है, 3 किलो हमारा बाय प्रोडक्ट बनेगा, को प्रोडक्ट सोयाबीन, और यही कारण है कि सोयाबीन का ऑयल, सोयाबीन में से ऑयल बहुत कम निकलता है, यदि अन्य प्रोडक्ट अन्य जो ऐसे है जैसे मूंगफली है, सरसों है, तो इनमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है सोयाबीन की, इसके बावजूद भी सोयाबीन का जो तेल है वो सस्ता पड़ता है मूंगफली हो गया या सरसों हो गया या तिलहन हो गया इनकी अपेक्षा। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इसका जो को प्रोडक्ट निकलता है वो पूरा का पूरा यूज़ यहाँ पर कर लिया जाता है, और इस क्रो प्रोडक्ट से भी अन्य कोई प्रोडक्ट और सब प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए ये इसके हर एक चीज़ यहाँ पर बिक जाती है। चलिए, और ये कितना परसेंट बनने वाला है, ये 3% बनने वाला है, तो 20% तो हमारा, 18% तो हमारा हो गया है सोयाबीन ऑयल, और इसके बाद ये 80% नहीं है शायद, ये 79% है, 18% ये 79 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 79% को प्रोडक्ट को डाल देंगे।
ये 79 किलो है, हमने 79 डाली क्योंकि 3% इधर आ गया है। चलिए तो 18% यहाँ पर हमारा, यानी 18 किलो हमारा ऑयल हो गया है और सोयाबीन मिल्स हो गया है। यहाँ पर खाद्यान्न जो है वो है 79 केजी और 3 केजी का हमारा यहाँ पर खली जो निकलती है, जो आपने देखा होगा कि जो मुर्गी पालन उद्योग होता है उसमें मुर्गियों को खिलाने के लिए और इसके साथ ही साथ पशुओं को खिलाने के लिए जो खली बनती है, भैंसों को खिलाने के लिए, गायों को खिलाने के लिए खली बनती है, तो उस प्रकार का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर यह भी बिक जाता है। चलिए तो को प्रोडक्ट हो गया, बाय प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद यदि कोई वेस्टेज आता कुछ परसेंट तो आप उसको वेस्टेज में डाल सकते हैं। अभी तो हमने 100% यहीं पर डाल दिया है, लेकिन यदि इनका परसेंटेज कम जाता है और कुछ वेस्टेज में जाता है तो आप वेस्टेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करेंगे और हमने यहाँ पर एक बोम बना लिया है, बिल ऑफ मटेरियल बना लिया है। कंट्रोल ऐसे इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हमें जो यहाँ पर काम करना है वो है एक मैन्युफैक्चरिंग जनरल तैयार करना है, और मैन्युफैक्चरिंग जनरल तैयार करने के लिए आप यहाँ पर जाएं क्रिएट में और इसमें वाउचर राइट में जाएं और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जनरल MSS जनरल हम डाल देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जनरल पूरा भी आप दे सकते हैं और वाउचर टाइप में जाएगा स्टॉक जनरल के, तो आप यहाँ पे स्टॉक जनरल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ऑप्शन यूज करना है आपको यूज एन मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इसको यस करना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद अब चाहें तो हमारा जो पीपीटी है उस पीपीटी का भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और चीज हमें बनाना है वो है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप चाहे तो मल्टी आइटम लेजर क्रिएशन में जाकर के भी बना सकते हैं, सिंगल भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। चलिए तो हम इसके साथ ही साथ यहाँ पर बना लेते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंटिंग में जाएंगे और यहाँ पर लेजर हम लेंगे और लेजर में मल्टी मास्टर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मल्टी क्रिएशन में जाएंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पर डाल देंगे क्या क्या हमारे खर्चे हैं। वाटर एक्सपेंसेस है, इसके साथ ही साथ लेबर एक्सपेंसेस है, लेबर चार्ज जैसे कहते हैं, इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है वो हम ले लेंगे। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि मशीन भी कुछ कंज्यूम होता है, कुछ खराब हो रहा है, तो आप यहाँ पे चाहें तो मशीनरी एक्सपेंसेस कर सकते हैं या जो कि कंज्यूम कह सकते हैं, ठीक है। और भी इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है वाउचर में, ठीक है। चाहें तो एक बार पीपीटी का अनुसरण कर सकते हैं समझने के लिए। ये हमने बना लिया है, बिल ऑफ मटेरियल हमने बना चुके हैं 79%, 3% हमने ये बना लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस लेजर्स बना लिए हैं। इसके साथ ही साथ अब हमें करना है मैन्युफैक्चरिंग जनरल में एक वाउचर एंट्री, तो हम चले चलते हैं टैली स्क्रीन में और इसके लिए अल्ट प्लस F7 आपको प्रेस करना है और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना मैन्युफैक्चरिंग जनरल। ये मैन्युफैक्चरिंग जनरल सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सोयाबीन ऑयल, नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट में सोयाबीन ऑयल सेलेक्ट किया। यहाँ पर हमारा बिल ऑफ मटेरियल ऑयल आ गया है, जो हमने बनाया था उसका नाम ऑयल ही दिया था हमने, और यहाँ पर पूछ रहा क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी पूछ रहा है लेकिन यहाँ पर रेशियो नहीं आ रहा है। आपने जैसे यहाँ पर क्वांटिटी दे दी 10 किलो, तो यहाँ पर 1 क्विंटल का ये रेशियो दिखा रहा है। यदि हमने यहाँ पर दे दिया कि 18 किलो ऑयल बनना है तो ये 1 क्विंटल यहाँ पर आ गया, लेकिन इसका रेट डिक्लेयर नहीं है, अमाउंट डिक्लेयर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला। तो अभी तक हमने जो पिछले जो प्रोजेक्ट थे उस प्रोजेक्ट में ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट डाल दिया था, आज के इसमें हम एक एंट्री करने वाले हैं यहाँ पर परचेस की। पहले हम आइटम में प्रोडक्ट को परचेस कर लें, तो वाउचर में जाएंगे और वाउचर में ही हम यहाँ पर एक एंट्री कर लेते हैं परचेस की। परचेस में गए, पार्टी माना कि हमने केस खरीदा या पर्टिकुलर किसी पार्टी से खरीदा, तो आप उस पार्टी का नाम लेजर बना लीजिए। जैसे हमने जे जे ट्रेडर्स से माल खरीदा और जे जे ट्रेडर्स हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं,
तो संडी क्रेडिट ले लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और एक परचेज का लेजर बना लेंगे लेटर से परचेज अकाउंट, परचेज चला जाएगा अंडर परचेज अकाउंट के, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। क्वांटिटी क्या है हमारी, हम खरीद रहे हैं सोयाबीन, कितने खरीद रहे हैं वो आप क्वांटिटी यहाँ पर डाल दीजिए, 1 क्विंटल, तो ये आ गया है 100 kg। यदि हमने यहाँ पर क्विंटल की मात्रा बढ़ा दीजिए, जैसे 1.5 क्विंटल खरीदा तो ये हो गया 150 किलो, ठीक है। और ये कैसे हुआ, जो हमने यहाँ पर डेसिमल प्लेस यूनिट में डेसिमल प्लेस हमने क्या किया था, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अभी एडिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा एडिट, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दिया है। तो पहले आपको ये वैल्यू हटा करके यानी जीरो करके फिर जाना है, बैक करना है, फिर एंटर करना है। अभी भी नहीं होगा क्योंकि हमने सोयाबीन की एंट्री यहाँ पर कर दिया वाउचर के अंतर्गत, तो ये वहाँ से बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जब ये क्रिएट करें तब ध्यान रखना है कि जो डेसिमल प्लेस है उसको आपको निर्धारित करना है, 0.3 पॉइंट लेकर के चलना, ताकि उतना कैलकुलेशन वो कर पाए, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर डाला 1 क्विंटल, ठीक है। यदि आपके पास प्रोडक्ट है यहाँ पे 2 क्विंटल आप लेना चाहते हैं, 2 क्विंटल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 200 किलो यहाँ पर हो गया है और रेट हमारा पर क्विंटल 3500 रुपये का रेट का हमने सोयाबीन माना कि खरीदा, तो ये 7000 रुपये का सोयाबीन हमारा हो गया है। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ध्यान रखिएगा, 2 क्विंटल हमने सोयाबीन अवश्य खरीदा, लेकिन हमें जो मैन्युफैक्चरिंग करना वो 1 क्विंटल का करना है। अल्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैन्युफैक्चर वाउचर जो हमने जनरल क्रिएट किया था, कहाँ पर जाकर के, क्रिएट में जाकर के, मास्टर के अंतर्गत क्रिएट में वाउचर्स के अंतर्गत हमने वहाँ पर वाउचर्स क्रिएट किया था, वो यहाँ पर आ गया है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, चाहें तो एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, मास्टर में, क्रिएट में, हालांकि ये चौथा प्रोजेक्ट है, आपने 3 प्रोजेक्ट पे यदि देखे हो तो आप बिल्कुल काम कर पाएंगे इस पर। यहाँ पर वाउचर टाइप में जाकर के ये आ गया है, इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग जनरल का नाम देना है और अंडर ग्रुप जो सिलेक्ट करेंगे वो क्या सिलेक्ट करना है, स्टॉक जनरल, ठीक है, स्टॉक जनरल सिलेक्ट करना। अभी हमारा बना हुआ है तो हम चलते हैं वाउचर एंट्री में और यहाँ पर हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए हमारे पास कितना है सोयाबीन, 2 क्विंटल है, ठीक है। सोयाबीन ऑयल कितना बनाना है, तो सोयाबीन ऑयल 18% यानी 18 kg हमारा यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर 1 क्विंटल ये खपत बता दिया इसने कि भैया इसमें कितना लगना है, इसमें 1 क्विंटल यहाँ पर लगेगा। लेकिन यदि आपने कहा कि हमें ज़रूरत है अभी 10 किलो ऑयल बनाने की, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर बता देगा 0.556 क्विंटल यहाँ पर लगेगा, पूरा 1 क्विंटल यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। और उसका अमाउंट जो आएगा वो 1946 रुपये यहाँ पर जाएगा। ये जो 3500 रुपये है ये 1 क्विंटल का रेट है, लेकिन पूरा 1 क्विंटल चूंकि नहीं लग रहा है, 10 किलो बनाने में 1946 रुपये का प्रोडक्ट आपका लगेगा। तो ये पावर है मैन्युफैक्चरर जनरल की। यहाँ पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको ये देना है कि उस मटेरियल से, उस रॉ मटेरियल से कितने परसेंट वैल्यू बनाना है, कितना चाहिए, डिमांड कितनी है आपकी। अब हमारे पास 2 क्विंटल सोयाबीन है, 2 क्विंटल सोयाबीन में हमें जरूरत है यहाँ पर 30 किलो की, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हुआ है, इसका कारण है, एक बार आप फिर से इसको सिलेक्ट कर लीजिए, रिफ्रेश नहीं होता है, तो ये एजुकेशन वर्जन है। चलिए यहाँ पर हम सोयाबीन ऑयल लेते हैं और हमें ज़रूरत है 30 किलो की। जैसे हमने 30 किलो यहाँ पर ऑयल डाला, क्वांटिटी डाला है, सोयाबीन बता रहा है 1 क्विंटल और 66 किलो यहाँ पर लगना है, जो तकरीबन बैठेगा 5834 रुपये का। इसमें 79% आपका सोयाबीन मिल्स बनेगा, सोयाबीन हल से बनेगा इसमें 3% और 3% के रेशो से यदि इस वैल्यू को देखें हम, तो ये कितनी वैल्यू का बनता है, 4609 रुपये का और कुछ पैसे का ये बनेगा। इसमें से 5 किलो ये बनेगा क्योंकि इसमें 3% यानी इसका बनना है और 6 से 6 पॉइंट का 2 किलो वो लगभग हुए बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बन करके तैयार हो गया है, अमाउंट भी यहाँ पर आ रहा है, 175 रुपये इसकी वैल्यू यहाँ पर रहेगी। चलिए, तो अभी हमें जितना ज़रूरत है उतना ही बना लेते हैं, 1 क्विंटल का ही बना लेते हैं। तो हमने दिया 18 kg हमें बनाना है, बोल रहा है कि 1 क्विंटल इसके लिए सोयाबीन लगना है,
और 3500 रुपये का उसका अमाउंट है और यहाँ पर भी 3500 ये आ गया है। ठीक है, 79% यहाँ पर सोयाबीन मिल से बना है, सोयाबीन हल से बना है 3%, ये वही वैल्यू आ गई है जो हमने डाला था। और ये बाकी का जो है 18% वो क्या बनेगा, हमारा सोयाबीन ऑयल बनेगा। एंटर करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर आप उसकी कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, माना कि जितनी देर मशीन चलती है 1 क्विंटल सोयाबीन का तेल निकालने के लिए, वो उस वैल्यू का 2% लागत ले लेता है। इसमें हमें पानी लगा 2%, इसके बाद लेबर चार्ज लगा माना कि 1.5%, 50 से 52 रुपए का खर्चा हमें लेबर में लग जाता है। और मशीन जो लगती है, मशीनरी एक्सपेंसेस हम मान के चलें 0.30%, इसमें मशीन हमारी खराब होती है, कंज्यूम होती है 10 रुपए की 1 क्विंटल से तेल निकालने में, ज्यादा होती है तो वो रेशियो डाल देना। ये हम एक अनुमानित वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं, पर इस वैल्यू की जगह पर आप आपके रियल वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। और यहाँ पर जो आइटम बन के आया है, इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम जो बन के हुआ वो 37 रुपये पर केजी के हिसाब से यहाँ पर आ गया, क्योंकि 3500 रुपये का हमारा सोयाबीन था, अब हमने उस पर एक्सपेंसेस किया, यहाँ पर खर्च किया, तो ये वैल्यू हो गई 37 रुपये। टोटल आइटम जो बना है वो 3703 रुपये का यहाँ पे बना है, यानी 3500 का आइटम ऑफ 3700 का हो गया है। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हमारा मैन्युफैक्चर तैयार हो गया है। इसको देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले के अंतर्गत, इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने लोकेशन गोडाउन बनाया नहीं था तो हमारा मेन लोकेशन में ही रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे फिनिश गुड बन के तैयार हो गया है, 100 किलो यानी 1 क्विंटल। और इसका भी चाहे फिनिश गुड का तो आप कन्वर्ट सेशन यहाँ पर यूनिट लगा सकते हैं। एंटर करेंगे तो चूंकि ये बाकी जो प्रोडक्ट है, को प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, ये हमारे केजी में ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर केजी में पूरा आइटम बता देगा, कितना कितना रेट उनका है सभी का वो यहाँ पे बता देगा। इसके बाद हमारे पास रॉ मटेरियल कितना बचा है, तो हमारे पास 1 क्विंटल यहाँ पर रॉ मटेरियल बचा हुआ है। अब यदि आपने जो सोयाबीन खरीदा है वो हमने उसका पेमेंट नहीं दिया है, उसका पेमेंट देना है और ये माल हमें बेचना है, तो आप बेच सकते हैं और उसका पेमेंट दे सकते हैं जे ट्रेडर्स का। तो उसके लिए क्या करेंगे, वाउच एंट्री में जाएंगे, एक एंट्री कर देते हैं हम सेल की, सेल्स केस सेल हम कर देते हैं। और सेल क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट लेजर बना लेंगे यहाँ पर पहले, तो सेल्स लेजर अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट, इस पे जी टैक्स कैलकुलेशन होना है तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेम ऑफ आइटम में हमने यहाँ पर माना है कि तीनों प्रोडक्ट जो बनाए वो बेच दिए, सोयाबीन मिल्स को यहाँ पे बेच दिया, क्वांटिटी कितना बेचा है 79% हमारे पास से किलो है वो हम बेच देंगे। और इसको ये बना कितना, 37 रुपये में बना था और हमने इसको 40 रुपये में बेच दिया। इसके बाद यहाँ पर सोयाबीन ऑयल को भी हम सेल कर देते हैं एक ही पार्टी को, ये हमारा 18 किलो है, 18 किलो हम बेच देते हैं, लीटर में बता रहा है 19 लीटर और 800 ग्राम ये। ठीक है, यदि आपको लीटर में बेचना है तो आप यहाँ पर लीटर में भी बेच सकते हो, जैसे हमने 15 लीटर बेचा है तो 15 केजी है ये, आप 15 LT लगा सकते हैं, वो तो कन्वर्ट कर देगा इसके लिए। 15 लीटर आपने बेचा मतलब कि उसको कन्वर्ट करके 13 किलो और दशमलव में इसने वैल्यू को दे दिया। चलिए अभी हम यहाँ पर 18 किलो ही बेच देते हैं, यानी 19 लीटर 800 ग्राम हमने बेच दिया है। रेट हमारा 37 रुपये का था, तो ऑयल जो है हम, ये तो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, इसमें लागत लगी हमारी इतनी 37 रुपये का, हम इसको रेट 80 के भाव बेच देते हैं पर केजी के हिसाब से। इसके बाद यदि बाकी आइटम भी बेचना है, एक और हमारे पास क्या है, सोया नल्स हैं, ये 3 केजी हमारे पास क्वांटिटी है और ये हमारा कम भाव में जाता है, तो हम यहाँ पर इसको 25 रुपये पर केजी में बेच दे देते हैं। ठीक है, तो 75 रुपये का ये हमारा हो गया। इस प्रकार 4675 का आइटम हमने बेच दिया है, यानी यहाँ पर 3700, 3500 का था टोटल आइटम मैन्युफैक्चरिंग हमारा, 3700 कुछ पड़ा था, उसको हमने 4675 में सेल कर दिया। ठीक है, चलिए तो ये सेल्स की एंट्री हो गई, जिस पर टैक्स कैलकुलेशन करना है तो वो आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे हम इसको।
इसके बाद हमें जिस पार्टी को पैसा देना है वो पैसा हम दे देते हैं, वाउचर में गए, पेमेंट में गए, और यहाँ पर जे जे ट्रेडर्स हैं, जे जे ट्रेडर्स को हम सिलेक्ट करेंगे। और अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, ये 7,000 देने हैं असल में तो हमें, क्योंकि 2 क्विंटल सोयाबीन खरीदा है। और यदि इसमें हम पेमेंट कुछ कम देना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पर 4,000 रुपये का पेमेंट इनको कर दे रहे हैं, 3,000 हमारे शेष रह जाएंगे। पेमेंट करते हैं हम केस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा बैलेंस शीट में जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1,175 रुपये, करेंट लाइबिलिटी में 3,000 रुपये खड़े हुआ है। तो इस प्रकार से आप जो है कि मैन्युफैक्चरिंग जनरल से मैन्युफैक्चरिंग होने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं वहाँ पर इस प्रकार से वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड था, कंसेप्ट था, प्रोजेक्ट वर्क था, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, बिल्कुल आप इसको कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक और ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जब आप बेल आइकन को प्रेस करें तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें।